सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और लाइव क्लास के माध्यम से आपने जो भी शिक्षण कार्य किया है, आज वीडियो सेशन के माध्यम से मैं कक्षा 8 के अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य में पाठ 6 भक्ति के पद का व्याख्या सहित अध्ययन कराऊंगा। आशा है आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। ये जो पाठ है इसमें 4 कवियों के अलग अलग पद दिए गए हैं। तो पहला पद जो है वो मीराबाई के द्वारा विरचित है और इस पद के माध्यम से मीराबाई अपनी कहानी बता रही हैं कि उनके देवर राणा विक्रम ने उनको कई बार परेशान किया। अब क्या किया, कैसे किया, वो मैं आपको बताता हूं। राणा विक्रम ने उनको मारने के लिए सबसे पहले एक पिटारे में एक सांप को बंद करके भेजा, लेकिन चूंकि मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी, वो उनके सम्मुख गई और उस सांप के पिटारे को उन्हीं को समर्पित कर दिया। एक चमत्कार हुआ और वो काला सांप गायब हो गया और उसके स्थान पर उनको शालीग्राम मिल गया। शालीग्राम आप सभी जानते होंगे, एक काले से पत्थर की गोल अंडाकार जैसी एक आकृति की शिला होती है जिसकी पूजा की जाती है वो। इसके बाद राणा विक्रम को पता चला कि भाई मीराबाई बच गई, तो उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए एक खीर का प्याला जिसमें कि जहर मिला हुआ था, ऐसा तीक्ष्ण जहर जिसे जो खा ले वो तुरंत कुछ ही पलों में प्राणांत कर ले, ऐसा तीक्ष्ण विष मिला, खीर का एक प्याला भेजा और कहा कि इसको भाभी साहब को दे देना। मीराबाई ने अगले दिन, चूंकि एक दिन तो बीत ही गया था, अगले दिन उस खीर के प्याले को श्री कृष्ण को समर्पित किया और उस खीर के प्याले में चमत्कार हुआ कि जहर गायब हो गया और अमृत उत्पन्न हो गया। इसके बाद राणा विक्रम ने मीराबाई को मारने के लिए एक विशेष कक्ष में कांटों की सेज तैयार की और उस सेज की विशेषता थी कि उसके धागे बहुत पतले थे, हल्का सा भी उस पर भार पड़ता तो वो टूट जाते। तो ऐसी सेज पर उनको भेजा कि आज आप इस पर विश्राम करिएगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और जैसे ही वो उस पर लेटने के लिए उद्यत हुई, वैसे ही उसके सूत पक्के हो गए और जितने भी कांटे थे वो मानो फूल की तरह कोमल हो गए, यानी वहां आप कह सकते हो वो फूल की तरह मुलायम हो गए, कांटे सब गायब। तो मीराबाई कहती हैं कि इन सब के कारण मैं अपने श्री कृष्ण पर बलिहारी जाती हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे हमेशा सहायक सिद्ध होते हैं, मेरी सारी विघ्न बाधाओं को हटा देते हैं, इसलिए मैं भावपूर्ण भक्ति से उनके भजन करती हूं और मस्ती में डोलती जाती हूं। अगला पद जो है वो है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ईश्वर को ढूंढने के लिए वन वन ढूंढना, तपस्या करना ठीक नहीं है। क्यों उनको वन में ढूंढने जाते हो? वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ईश्वर को पाने का अगर सबसे अच्छा तरीका है तो वो है मन की निर्मलता और पवित्रता। अगर आप मन से निर्मल और पवित्र हैं तो आप उनको जहां ढूंढेंगे वो वहीं मिलेंगे, फिर उनको ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। वन वन जाकर के एक कुटी झोपड़ी बना करके और वहां पर उनको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल मन, एक कहावत है, मन चंगा तो कठौते में गंगा। तो उस कहानी के आधार पर एक कहावत बनी थी संत रविदास का माध्यम से, वो चूंकि यहां प्रासंगिक है इसलिए बता रहा हूं
कि वो कभी तीर्थ करने नहीं जाते थे। एक बार किसी ने कहा कि भाई तुम तो नास्तिक हो, तुम जाते नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया मन चंगा तो मेरे इस गंदे कठौते में भी गंगा है। कैसे? तो उन्होंने कहा मेरा एक ये चांदी का कड़ा, इसको जो है आप गंगा जी में डाल देना। गए भक्त लोग, डाल दिया। जब लौट कर आए तो बोले हमने डाल दिया। संत रविदास ने कहा कि ठीक है, अब मैं उसी कड़े को निकालता हूं। निकाल के दिखाया। तो तब से इस चमत्कार पूर्ण घटना के कारण ये कहावत बन गई कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। अर्थात यदि मन पवित्र है तो प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का वास है, और अगर मन पवित्र नहीं है तो फिर आप उनको चाहे वन वन ढूंढो, कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, तीर्थ में जाओ, कहीं भी जाओ, फिर वो ईश्वर आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब उनका निवास किस प्रकार से है? तो सर्व निवासी सदा अवलेपा, यानी निर्लिप्त होकर के वो ईश्वर सभी के अंदर, मन में, हृदय में निवास करते हैं। जैसे फूल के बीच में सुगंध रहती है, जैसे शीशे में देखने पर हमको अपनी परछाई दिखाई पड़ती है, वैसे ही श्री हरि विष्णु, श्री हरि प्रभु प्रत्येक मनुष्य में वास करते हैं। इसलिए उनको अपने मन में ही खोजो, बाहर भीतर एक प्रकार से ही जानना चाहिए। जिस प्रकार से बाहर है ईश्वर, उसी प्रकार से उनका वास अंदर है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारे पिंड हमारे शरीर के अंदर की संरचना है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड की भी समष्टि सृष्टि की गई है। तो ये गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बाहर का अस्तित्व है उसी प्रकार से अंदर का अस्तित्व है। ये केवल एक सच्चा गुरु ही आपको बता सकता है। और गुरु नानक जी कहते हैं कि इसलिए बिना अपने आप को जाने इस भ्रम की काई दूर नहीं हो सकती। यानी ये जो संसार का भ्रम है कि ये दुनिया है, ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य वास्तविकता में अलग है, जिसको हम बाद में जानते हैं। ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है बच्चों, और अध्यात्म से इसका गहरा जुड़ाव है। अगला पद है सूरदास जी का, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी चूंकि भक्ति काल में कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि हैं, दो प्रकार की शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, निर्गुण और सगुण। तो सबसे पहले ये सगुण के हैं, फिर प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, फिर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। काव्य साहित्य में इनका जो स्थान है वो बहुत ही ऊंचा है। सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अन्य कवि खद्योत्सम जहता करत प्रकाश। हिंदी साहित्य में, काव्य साहित्य में सूरदास जी सूर्य के समान सबसे तेज चमकने वाले, जैसे हम लोगों को सबसे ज्यादा तेज चमकता है सूर्य, उसी प्रकार से सूरदास जी हैं। और दूसरे स्थान पर तुलसीदास, तुलसी शशि उडगन केशवदास, और नक्षत्र मंडल की तरह से केशवदास जी है। जिस प्रकार से हम रात में आकाश में टिमटिमाते हुए तारा मंडल को देखते हैं, नक्षत्र मंडल को देखते हैं, उसी प्रकार से आपके केशवदास है। अन्य कवि खद्योत्सव, बाकी सारे के सारे कवि जो है वो एक जुगनू की तरह है। जुगनू जानते हैं, रात में एक कीड़ा चमकता है और वो चमकता है बुझता है, चमकता है बुझता है, इस तरह से वो जहां चमकता है वहां प्रकाश होता है, जहां बुझ जाता है अंधेरा। तो अन्य सारे के सारे कवि उन जुगनू की तरह हैं, बाकी सारे। तो नंबर एक पे कौन है? सूरदास। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंधे होने पर भी श्री कृष्ण का बाल चरित्र इतना अच्छे से वर्णन किया मानो उनकी आंखें हों। तो वो कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरा मन अनेत्र कहीं सुख नहीं पाता है। ठीक वैसे ही जैसे जहाज का पक्षी उड़ करके दूसरे समुद्र में इधर उधर सब घूमता फिरता है, लेकिन जब उसको कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता तो जहाज भी आ जाता है, उसी प्रकार से मैं कमल नयन नाम है श्री कृष्ण का, उनको छोड़ करके किसी और देवता का ध्यान क्यों करूं। अगर किसी को प्यास लगी हो तो वो परम गंग, परम गंग यानी पवित्र
महान गंगा के जल को छोड़ करके उसी के किनारे कुआं नहीं खोदता। यह उस समय की बात है बच्चों, जब गंगा प्रदूषित नहीं थी, आज की स्थिति में नहीं, उस समय गंगा स्वच्छ थी। इस समय थोड़ा ये नदी अपवित्र है इतना, क्योंकि इसमें काफी कुछ है। तो खैर, ये उस समय उन्होंने वर्णन किया कि परम गंग को छाण पिया सो, क्योंकि उस समय गंगा का जल ऐसा था कि वो खराब नहीं होता था। तो उस जल को छोड़ करके कोई दुर्बुद्धि होगा जो वही किनारे पे कुआं खोदे कि भाई पहले मैं कुआं खोदूंगा तब पानी पीऊंगा। अरे सामने गंगा का शुद्ध जल बह रहा है तो उसको पीना चाहिए। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई भौरा कमल के पराग के मधुर रस को पी लेता है तो फिर उसको करील के कड़वे फल और फूल अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार जैसे कोई कामधेनु नामक गाय का मीठा दूध पी करके बकरी का दूध पसंद नहीं करता, ठीक उसी प्रकार मेरा मन भी अन्यत्र दूसरी जगह दूसरे किसी देवता के ध्यान में सुख चैन नहीं पाता, मुझे तो श्री कृष्ण के चरणों में ही शांति मिलती है। अगला पद तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी श्री राम से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे हरि कृष्ण हरौ ब्रह्म भारी, हे हरि हे श्री राम, ये जो मेरे अंदर भ्रम है इसको आप दूर क्यों नहीं करते। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के आखा के कवि हैं और तुलसीदास श्री राम भक्ति काव्य के कवि हैं, तो इनकी ज्यादातर रचनाएं श्री राम के लिए समर्पित हैं। तो यद्यपि मनसा सत्य भाषे जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, यद्यपि झूठ ही सत्य तब तक लगता है जब तक तुम्हारी कृपा भक्त पर नहीं होती, इस स्वार्थी और नष्ट होने वाले संसार को जानकर भी जो तुमको नहीं जानता उस पर ये भ्रम ये संदेह बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक नाली के कीड़े को अगर नाली से न निकाला जाए तो वह उसमें मस्त रहता है, जब उसे निकाला जाता है तो उसको पता चलता है कि यहां भी दुनिया है, उसी प्रकार से इस मनुष्य को भी मोह का एक बंधन पड़ा रहता है, जब तक कृपा नहीं होती ईश्वर की तब तक वो इसी में प्रसन्न रहता है, इसी में ही अपना सब कुछ समझता है, और अगर उसे निकालने का प्रयास करो तो बड़ा छटपटाता है, अरे नहीं नहीं मुझे मत निकालो, मुझे परेशान मत करो, इस तरह से। तो सपने व्याधि विविध बाधा जन मृत्यु उपस्थित आई, हम सभी सपने में अनेक प्रकार की बाधाओं को जान करके कि अब मृत्यु उपस्थित हो गई है, मृत्यु आने वाली है, ये सोच सोच के डरते रहते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है। देखिए तुलसीदास यहां पर भी एक आध्यात्मिक बात कह रहे हैं, क्या कि हम लोगों का ये जो शरीर है ये नष्ट होना है, लेकिन जो आत्मा है वो पवित्र है, जब मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति की आत्मा जागृत हो जाती है, जागृत अब भी है, ऐसा नहीं है कि बिना जागे कोई काम हो रहा है, लेकिन ये उनका आध्यात्मिक सत्य है। वो कहना चाह रहे हैं कि जब मृत्यु होती है तब आत्मा को सत्य का पता चलता है और तब उसके बाद ये पता चलता है कि हमने जो कुछ भी ये जीवन जिया ये एकमात्र स्वप्न था, एक सपना था, एक ड्रीम था जिसको हमने जिया, और उठकर जग गए तो सारा सपना दूर हो गया, भूल भी जाएंगे, अगला जन्म होगा हो सकता है फिर भूल जाए, पता नहीं कब जन्म मिले, फिर से सृष्टि रची जाए, फिर जन्म दिया जाए। तो ये सपने के प्रकार से एक जीवन है, जो सपना टूट जैसे सपना टूटने पर सत्य का पता चलता है, वैसे ही जीवन समाप्त होने पर सत्य का पता चलता है। वैद्य अनेक उपाय करें जागे बिन पीर न जाई, और इसका चाहे वैद्य चिकित्सक कुछ भी उपाय कर लें, लेकिन जब तक इस भ्रम से आप दूर नहीं होते तब तक इससे आप पार नहीं पा सकते। श्रुति ग्रंथ गुरु और संतों के अनुसार यह दृश्य दिखने वाला, दृश्य अर्थात दिखने वाला संसार असत्य और दुखकारी है, इसलिए इसको त्यागे बिना और बिना ईश्वर की भक्ति के इस भ्रम रूपी विपत्ति को कोई नहीं टाल सकता, और सबसे बड़ी बात इस संसार में बहुत से उपाय नहीं है मुक्ति पाने के लिए, पवित्र वाणियों और पवित्र
श्रुतियों यानी पवित्र ध्वनियों के द्वारा ये सुना गया है और वही मैं अर्थात तुलसीदास ये कह रहा हूं। क्या कहते हैं तुलसीदास कि मैं मोर गए बिन जिय सुख कबहू न पावे, मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहू न पावे। यानी जब तक अहम मैं और मेरा ये भावनाएं नहीं जाती तब तक ये जीवात्मा ये प्राण ये आत्मा कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो आशा है बच्चों आपने इस पाठ को बड़े ध्यान से सुना होगा। आगे मैं आपको आठवां पाठ अगली बार पढ़ाऊंगा जो कि भिखारिन है। आशा है आप सभी इसको भी ध्यान से सुन पाए होंगे और इसको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप इसको बार बार देख करके अपना अध्ययन कर लीजिएगा। धन्यवाद।